ओके, वेलकम बैक टू अनदर शो। मैं यहाँ आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल क्रिप्टो इनकम पर। मार्केट काफ़ी अच्छा खासा लग रहा है जान सो, बिकॉज ऑफ रीज़न भी आपको हमें पता है यार। कल XRP ने विन किया है केस को, हमारे दूसरे चैनल क्रेजी क्रिप्टो फैमिली का पर मिल जाएगा। उसका इम्पैक्ट मार्केट के अंदर देखने को मिला है जान सो। मैंने आपको टेलीग्राम के थ्रू शेयर भी किया था, BTC भैया $31,166 पे चला गया, $2,000 पे हमारा इथेरियम ट्रेड कर रहा था। हालांकि XRP बुलिश था, पूरा बुलिश हुआ, अभी भी देख सकते हो भैया 64% से पंप है, लेकिन पूरा मार्केट भी इसके साथ साथ ऊपर गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। बेबी डॉज कॉइन थोड़ा सा डंप आया है, 1240 पे आया, बिकॉज ऑफ लोगों ने यहाँ से शिफ्ट किया है बिटकॉइन और XRP के ऊपर। न्यूज़ ही ऐसा था भाई, न्यूज़ ही ऐसा था कि काफ़ी तगड़ा लोगों को और हमें भी प्रॉफिट हुआ XRP से, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत है SEC से। जी हाँ दोस्तों, हालांकि अभी और भी चीज़ें होंगी जिसका एक्सप्लेनेशन हम अपने दूसरे चैनल क्रेजी क्रिप्टो फैमिली पे करने वाले हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा वो वीडियो जरूर देखिएगा। बेबी डॉज कॉइन का कुछ अपडेट भी आया है जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है इसी बीच। जी हाँ दोस्तों, हालांकि देखो यार पंप नहीं हुआ, लेकिन भाई ये काम कर रहा है, अपने स्वैप को ना उस लायक बना रहा है कि जहाँ से यूज़ करना बिल्कुल आसान हो और दूसरे एक्सचेंजेस से बिल्कुल अलग। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो भैया आप देख सकते हो योडा कॉइन को यहाँ पर लिस्ट किया है बेबी डॉज स्वैप के ऊपर। APR अगर स्टैकिंग करते हो तो 1445% का मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। कहीं ना कहीं दोस्तों एक बड़ी यहाँ पर जो है APR मिल रहा है, तो आप जाके स्टैक करके फार्म करके जो है यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो। जहाँ दोस्तों इसके साथ साथ हमारा बेबी डॉज कॉइन सेलिब्रेट कर रहा है नेशनल फ्रेंच फ्राइडे। जी हाँ दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और भाई हर रोज़ कुछ ना कुछ न्यू यहाँ पर आजकल जो है ना अनाउंसमेंट होती ही है। जी हाँ दोस्तों, और भाई लोगों को पॉजिटिव रख रहा है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर स्वैप का यहाँ पर विज भी लाइव कर दिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। जी हाँ दोस्तों, ऑलरेडी लाइव हो चुका है, कल ही अनाउंसमेंट आ गया था और आज जो है लाइव हो चुका है, आप जाके इसके स्वैप को देख सकते हो। तो भाई कहीं ना कहीं इसका स्वैप एज अ सर्विस की तरफ वॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बुलिश लग रहा है। बेबी डॉज यार top 3 मीम टोकन के अंदर आते हैं, top 3 मीम कॉइन के अंदर। जैसे डॉज ने दिया प्रॉफिट, शिवा ने दिया, बेबी डॉज भी कम्युनिटी के मामले में काफ़ी टॉप पे है दोस्तों। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखो यार हर एक कॉइन अपना टाइम आता है ना, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देता है। आप किसी को भी देख लो, मुझे लगता है बेबी डॉज कॉइन देरी सही लेकिन प्रॉफिट देगा। XRP भाई लास्ट बुल रन के अंदर अपना पिछला ऑल टाइम हाई को भी नहीं ब्रेक कर पाया, बिकॉज ऑफ SEC से उसका केस चल रहा था। काफ़ी उसके बाद वाले कॉइन ने ऑल टाइम हाई लगाया, लेकिन ये 2013 वाला कॉइन नहीं लगा पाया भाई, केस चल रहा था। लेकिन आज के डेट में देख सकते हो भैया $1 टक्कर मार के आया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही कल विन का न्यूज़ आते ही $1 झट से, और इसका ऑल टाइम हाई $3.5 है। मुझे लगता है कि काफ़ी जल्दी दोस्तों ये जो है XRP उसको भी ब्रेक करेगा। ऐसे ही होता है, बेबी डॉज कॉइन आज आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आने वाले समय के अंदर जो हम नहीं सोच रहे हैं जो रिकॉर्ड, वो भी ये बनाएगा और हम सबको एक काफ़ी बड़ा प्रॉफिट देगा। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ा। और जो लोग बोलते हैं ना कि यार ये मीम टोकन है इसको बाय मत करना, आज जाके देखो XRP के लिए भी बहुत लोग बोलते थे ये केस चल रहा है, डूब जाएगा, नहीं जीत पाएगा, तो क्या होगा। लेकिन देखो आज वो ट्विटर के ऊपर शेयर कर रहे हैं कि भाई मेरा इतना प्रॉफिट हो गया, इतना प्रॉफिट, देख लो आप जाके। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, जब प्रॉफिट मिलता है तब सब आ जाते हैं बोलने के लिए, हाँ भाई इतना प्रॉफिट मिल गया, इतना प्रॉफिट मिल गया, आज इतना प्रॉफिट आप सबको भी हुआ होगा। लेकिन भाई किसी को रिकमेंड तो करो बाय करने के लिए। हाँ भाई मैं फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता, भाई मत दो, कोई नहीं दे रहा है, बट रिकमेंड तो कर सकते हो कि ऐसा हो सकता है, पॉजिटिव चीज़ तो दिखा सकते हो, और मेरा काम यही है दोस्तों। कुछ हेटर्स भी है, कुछ अच्छे लोग भी है जो मेरी बातों को समझते हैं कि मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं डायरेक्टली रिकमेंड करता हूँ कि हाँ ये मुझे अच्छा लग रहा है और इसको बाय करना चाहिए, फ्यूचर इसका ब्राइट है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, होल्ड आपको करना पड़ेगा, बस दैट्स इट, इतना ही तो बताना है। जो भी कॉइंस होते हैं मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। बेबी डॉज के ऊपर भी मुझे पूरा भरोसा है। जी हाँ दोस्तों, ये अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, होल्ड जरूर करके लगेगा, होल्ड ऑलवेज बेटर देन गोल्ड, मैं हमेशा बोलता हूँ। जी हाँ दोस्तों, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि सब पॉजिटिव रहे और बेबी डॉज को कस के होल्ड करके रखें। मिलता है नेक्स्ट में, आज की तरह आए, गुड बाय।